हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आई एसबीटी 2017 का क्वेश्चन कहते हैं, बोला 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला इफ अल्फा बीटा आर टू डिफरेंट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी। इसका अल्फा बीटा रूट्स है तो आपको ये दोनों प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, क्या सॉल्यूशन में जाएंगे, दिया हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ किसका, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी। अब बच्चा मेरा, जब ये अल्फा बीटा इसका रूट्स है, रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसका वैल्यू है। रूट्स मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू, जिसको रखने पे एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। तो यहां वेरिएबल कौन है, थीटा। वेरिएबल कौन है, थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू दी हुई है अल्फा और बीटा। बेसिकली रूट्स का मतलब वही होता है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, अल्फा रखेंगे तो ए कॉस थीटा की जगह पे अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इज इक्वल टू सी, पहला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। फिर हम बीटा रखेंगे तो ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा बराबर सी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो दोनों का आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम होगा, या दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है नीचे वाले सबका साइन चेंज होगा, तो क्या होगा, ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा प्लस बी साइन अल्फा माइनस बी साइन बीटा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सी सी खत्म हो जाएगा, जीरो, नीचे वाले सबका साइन चेंज हो गया इसलिए नीचे वाला माइनस में ऊपर वाला प्लस में लिखा हो। ठीक है, अब इसमें से ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और यहां से बी कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू जीरो बचेगा। ठीक है बच्चा, अब इसको फॉर्मूले पे तोड़िए। ये फॉर्मूला क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले पे तोड़िए, क्या होगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये पहला हो गया। फिर प्लस, अब इसको तोड़िए, कोसाइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब यहां से आप क्या करेंगे कि कुछ कॉमन निकल रहा है, देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा यहां भी है तो दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा को हमने कॉमन निकाल लिया, जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहां से ये निकल गया तो ये बचेगा ए मल्टीप्लाई में, तो बचेगा माइनस टू ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। यहां से क्या बचेगा, प्लस यहां से टू भी कॉमन निकाल लीजिए, इसमें भी टू है इसमें भी टू है, टू भी कॉमन निकालिए तो टू कॉमन निकाल देते हैं, बचेगा माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। यहां से बचेगा प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये बचेगा बच्चा इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, जीरो। तो ये पूरा का पूरा उधर जाके खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा ए साइन माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ये पूरा का पूरा जाएगा तो जीरो हो गया। अब यही बचा, अब इसको हम इधर उधर ले जाते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। बोलिए साइन उधर जाके प्लस हो गया बट लिखा इधर है, कॉस को पॉजिटिव में लिखा है, कॉस को लाके साइन से डिवाइड कर लीजिए, ए को लाके इधर डिवाइड कीजिए, ए इधर आके डिवाइड होगा तो बी बाई ए हो जाएगा, कॉस आके साइन से डिवाइड होगा, साइन दोनों का एंगल सेम है तो साइन बटा कॉस क्या होता है जी, टैन, टैन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये बेसिकली हमारे पास आ गया सॉल्यूशन, टैन अल्फा प्लस बीटा बाई टू बराबर बी बाई ए, एक रिलेशन आया, हमको प्रूफ ये करना है और ये करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहला चीज जो हमको प्रूफ करना है, सबसे पहला चीज प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि उसको वहां रिलेट कर लेंगे डायरेक्ट। साइन थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है टैन के केस में, क्या होता है, टू टैन थीटा बाई टू बटा
वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू पढ़े हो, साइन थीटा का टू टैन थीटा बाई टू, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई, सेम चीज लगाएंगे, इसको मान लीजिए थीटा, तो क्या हो जाएगा टू टैन अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू होगा। चलिए तो टू इंटू टैन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, देखिए क्या है बी बाई ए, तो टू इंटू बी बाई ए बटा वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू क्या है बी बाई ए, तो बी बाई ए का होल स्क्वायर क्या आ गया बच्चा टू बी बटा ए, और यहां से एलसीएम लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है। इस ए स्क्वायर से ये ए कट जाएगा और ये ए ऊपर चला जाएगा, टू ए बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा प्रूफ हो गया, पहला जो लॉ था प्रूफ हो गया। सेम तरीके से दूसरा भी प्रूफ होगा, सेकंड हमको क्या प्रूफ करना है जी, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला टैन के केस में वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू बटा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, इसी फॉर्मूले में तोड़ देंगे, इसको मान लो थीटा तो क्या लिखेंगे वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा बटा टू अल्फा प्लस बीटा बटा टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है अल्फा प्लस बीटा बाई टू। चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे पता है आपको बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर बटा वन प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, यहां से एलसीएम लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यहां से एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कट जाएगा, आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रूफ हो गया। छापिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, फटाफट छापिए।